मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में जो बात किए हैं उसमें हम लोगों ने ममलूक वंश की बात की थी और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ममलूक वंश में कैसे शासकों का एक क्रम आता है और उनके कार्य क्या क्या थे। जैसे जब ऐबक की बात होती है तो ये देखा गया कि कुतुबी, मुइज़्ज़ी और शमसी अमीरों के बीच में विवाद, उस बीच में चूंकि शमसी कुतुबुद्दीन के ही दास थे तो उसमें कुतुबी और मुइज़्ज़ी अमीरों में ही अधिकार को लेकर के बात थी और उस मेलदौज और कुबाचा से संबंध भी खराब हुए, संबंध को रिश्तेदारी में बदला गया ताकि चीजें सही रहें। ऐबक के समय तक चीजें सही भी रहीं, लेकिन जैसे ही ऐबक की मृत्यु होती है एल्दौज ने दिल्ली पर अपने अधिकार की बात की। दूसरी तरफ ऐबक की मृत्यु के बाद अमीरों में अपने अनुसार राजा बनाने की परंपरा का श्री गणेश हो गया। लाहौर के अमीरों ने आराम शाह, जिन्हें ऐबक का पुत्र बताया गया, उन्हें लाहौर में गद्दी पर बना दिया गया, गद्दी पर बैठाया गया और दिल्ली में ऐबक के दामाद व दास इल्तुतमिस को दिल्ली के अमीरों ने गद्दी पर बैठा है, ये शासक बन गए इल्तुतमिस। अब समस्या ये थी कि एक साथ दो शासक और ऐबक के ही उत्तराधिकारी के रूप में, ये भी विवाद की स्थिति होती, तो ऐसे में दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें आराम शाह की पराजय हुई, बंदी बना करके मार दिए गए और अपूर्णतः शासक हो गए इल्तुतमिस। ठीक है, अब एक बात यह होती है, अपहरणकर्ता तो नहीं कह सकते क्योंकि इस्लाम में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं है। उत्तराधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जिसके बाजुओं में ताकत हो, तलवार की शक्ति हो, लोगों का समर्थन हो उसके पास। इल्तुतमिस के पास लोगों का समर्थन था, योग्यता थी, बाजुओं में बल था और तलवार की शक्ति थी, इसलिए उसने आराम शाह को पराजित किया और मार डाला, शासन सत्ता उसके पास। इल्तुतमिस को ही हम लोग दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। कारण यह था कि इल्तुतमिस ने ही एक व्यवस्था स्थापित की दिल्ली साम्राज्य में। इस्लामिक राजधानी के साथ साथ उसने एक व्यवस्थित शासन प्रशासन भी दिया। अरबी सिक्के, इक्तदारी व्यवस्था, केंद्रीय शासन, खलीफा से मान्यता, रजिया को उत्तराधिकारी, एल्दौज और कुबाचा की पराजय, गजनी से संबंध विच्छेद, ये सारे काम इल्तुतमिस के द्वारा किए गए। अंतिम समय में जब उसका सबसे योग्य पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मंगोल आक्रमण में हत्या होती है तो उसके बाद उसने जो भी जीवित पुत्र थे उनमें ये देखा कि कोई भी शासन चलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इल्तुतमिस भी ये जानता था कि मेरे पश्चात कोई योग्य पुत्र ही मेरे शासन को बनाए रख सकता है, अन्यथा शासन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब समस्या ये थी कि क्या इल्तुतमिस के द्वारा लिए गए निर्णयों को इल्तुतमिस के अधिकारी स्वीकार करते। इल्तुतमिस ने 1232 में ग्वालियर अभियान से लौटने के पश्चात रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया, रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया और उसे उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन जब बीमारी की अवस्था में इल्तुतमिस के पास इनकी दासी पत्नी शाह तुर्कान ही थी तो शाह तुर्कान ने उसी समय एक षड्यंत्र किया और वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी के साथ मिलकर के रजिया को गद्दी पर बैठने नहीं दिया और इल्तुतमिस की मृत्यु के बाद अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा। चूंकि अयोग्य था, तुर्क दासी शाह तुर्कान क्रूर महिला थी, षड्यंत्रकारी थी, तो जो प्रारंभ में उसे सपोर्ट मिला था सत्ता प्राप्त करते ही उसके कार्य ऐसे हो गए कि जो एक समर्थन अमीरों का मिल रहा था वो समर्थन भी उसे खत्म समाप्त हो गया। फलस्वरूप रजिया ने शुक्रवार की नमाज के समय लाल वस्त्रों में जनता के सम्मुख उपस्थित होती है, न्याय की बात करती है और अंत जनता ने रजिया का साथ दिया और गद्दी पर रजिया।
जैसा इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरे सभी जीवित पुत्रों में सबसे योग्य मेरी पुत्री ही है, एकदम सत्य निकला। रजिया ने गद्दी पर बैठने के पश्चात जो कार्य किए उस कार्यों के अनुसार इल्तुतमिश के बाद के उसके वंश के सभी शासकों में सबसे योग्य रजिया थी। लेकिन चालीसा के सरदारों की महत्वाकांक्षाएं एक एक शासक बदलती चली गई। रजिया ने जब सब कुछ अपने साथ अधिकार अपने पास रखना चाहा तो उसके चरित्र पर हमला किया गया, फिर एकजुट होकर के विरोध किया गया, उसके विश्वासपात्र लोगों की हत्या की गई और बाद में उसको भी हत्या करवा दी गई। ठीक है, बाद में बहरासा आए, मशूश आए, नासिरुद्दीन महमूद आए, ये सभी आए, लेकिन ये सब कठपुतली शासक थे, अपनी संपूर्ण शक्ति अमीरों के हाथों में सौंपती थी और इन्हीं शक्ति का उपभोग करने के लिए अमीरों के द्वारा एक नए पद का सृजन किया गया। पद का नाम था नायबे मामलिकात और इसी नायबे मामलिकात के पद पर रहते हुए बलबन ने सुल्तान के पद को प्रदर्शित किया और अंततः 1265 में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है तो बलबन स्वयं शासक बनता। बलबन चूंकि दास था, दासता से मुक्ति नहीं मिली थी और शासक बन गया। इस्लामिक नियमों के अनुसार कोई भी दास सुल्तान नहीं बन सकता जब तक उसे दासता से मुक्ति ना मिली हो, तो एक नियम तो था, इस्लामिक नियमों का उल्लंघन भी होता। तो ऐसे में बलबन ने लोगों के दिमाग से खोलने की बात की और इस तरीके से दिमाग से खेला कि लोग उसके फैलाए हुए मानसिक षड्यंत्र में फंस गए। कोई ये सोच ही नहीं पाया कि ये दास, किसी के दिमाग में ये सब बातें आई ही नहीं, क्योंकि बलबन ने अपने राजत्व के माध्यम से ऐसी चीजें उनके दिमाग में आने ही नहीं दी। उसने कहा, बताओ, राजा कोई ऐसे वैसे नहीं बनता है, राजा कोई व्यक्ति तब बनता है जब उसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, खुदा की कृपा बरस रही हो तब बनता है। और राजा जो होता है वो खुदा का डायरेक्ट बंदा है लेकिन पैगंबर के बाद आता है, यानी इस्लाम में खुदा, खुदा के बाद पैगंबर और पैगंबर के बाद सुल्तान, कोई ऐसे थोड़ी बन गया। कोई दास है जो भी है लेकिन अगर वो सुल्तान बना है तो मान के चलो वो उन सब चीजों से उठ गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर खुदा मेहरबान है। अपने महल को जबरदस्त तरीके से सजाया, महल में कठोर नियम लागू किए गए, सारे ईरानी चीजें ला करके यहां लागू कर दी गई। वैभव दिखाओ लोगों को, कहते हैं जब भौकाल ज्यादा दिखाया जाता है तो भौकाल के पीछे की चीजें खत्म हो जाती, वो दिखाई नहीं पड़ती। बाहर से व्यक्ति जितना मजबूत होता है व्यक्ति अंदर से उतना ही खोखला होता है। बलबन ने उसी खोखलेपन को मजबूती बना दी और पब्लिक उसके पूर्व नहीं आ पाई। बाद में कैकुबाद के समय भी तुर्की शासन सत्ता समाप्त होता है और एक नई शासन सत्ता खिलजियों की होती है। ठीक है, हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश, खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश के विषय में एक बात, इन्हें तुर्कों से अलग किया जाता है लेकिन सामान्यतः ये तुर्क ही थे। दूसरा, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया खिलजियों ने, ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला खिलजी वंश है और सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला तुगलक वंश। ठीक, देखिए, अब जब खिलजी वंश के शासकों की बात करते हैं तो इसमें पहले हैं जलालुद्दीन खिलजी, बारह सौ नब्बे से 96। ठीक है,
जलालुद्दीन खलजी जब शासन पर बैठे तो इनकी उम्र थी 70 वर्ष, यानी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। ठीक, जब लोग इनके परिवार की बात करते हैं तो इनके परिवार में 3 पुत्र और पुत्रियों की कोई कार्ड नहीं मिलता, 3 पुत्र और इन 3 पुत्रों को इन्होंने गद्दी पर बैठने के उपरांत उपाधियां दी। सबसे बड़े पुत्र को खानखाना, दूसरे पुत्र को अरकली खान, तीसरे पुत्र को कद्र खान, ये 3 उपाधियां दी, खानखाना, अरकली खान, कद्र खान। ठीक है, ये 3 चीजें मिली। अब समस्या ये थी, इनके 2 भतीजे पहले अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा अलमास बेग, ये दोनों भाई थे और दोनों इनके दामाद भी हैं। अलाउद्दीन खिलजी और अलमास बेग दोनों भतीजे हैं और दोनों से जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्रियों का भी विवाह किया है। ये स्थिति, अब 70 वर्ष की अवस्था में ये सुल्तान बने और इस अवस्था में इन्होंने कहा जो नीति दिखाई वो धार्मिक सुल्तान की दिखाई, अर्थात खून खराबा ज्यादा नहीं, इस्लाम के लिए कुछ भी कर जाएंगे, कोई किला नहीं फतह कर पाए तो उसमें एक्सक्यूज इन्होंने दे दिया कि ऐसे किले हम 10 कुर्बान कर सकते हैं जिसमें किसी एक मुसलमान का रोआ भी टूट जाए। ठीक, तो अलग अलग चीजें थी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो इनका वो हाल था। रणथंभौर का किला विजय करने गए थे, जीत नहीं पाए ये, तो फिर बाद में ये कहा कि हम किसी एक मुसलमान के एक रोए के बराबर ऐसे 10 किलो को नौछावर कर सकते हैं। अब बताओ, रोज रोआ तोड़ते रहे होंगे ये 1, 2, 4, 5 और उसके बाद किला नौछावर कर रहे हैं, अलग चीज है। ठीक, अब जब हम लोग इनके शासनकाल को देखते हैं तो इनका शासनकाल जो प्रारंभ हुआ वो शांतिपूर्ण। ठीक, जैसे विद्रोह भी हुए, काफी विद्रोह भी हुए, दूसरा चोर और लुटेरे पकड़े भी गए, तीसरा नेक्स्ट विश्वास इन्होंने ज्यादा किया और इसी विश्वास का परिणाम था कि इनके अपनों ने ही इनकी हत्या कर दी। विश्वास करना चाहिए, सब पे करो आप, लेकिन विश्वास की भी एक सीमा होती है, जब आप विश्वास उस सीमा से बढ़ के करते हैं तो फिर वहीं आपको समस्या हो जाती है और आप वहीं पराजित हो जाते हैं। इनके साथ भी वही समस्या हुई, विश्वास किया भतीजों पे लेकिन सीमा से ज्यादा किया और उसका परिणाम यह हुआ कि इनके भतीजों ने ही इनकी एक षड्यंत्र के माध्यम से हत्या कर दी। ठीक है, जैसे जब विद्रोह हुए और विद्रोही पकड़े गए तो इन्होंने उन विद्रोहियों से कुश्ती लड़ने चैलेंज किया और जब कोई कुश्ती के लिए सामने नहीं आया तो इन्होंने उन्हें माफ कर दिया और राज्य से बाहर कर दिया है, यानी देश से बाहर निकाल दिया इन्होंने। ये तो कोई बात नहीं थी उस समय पीरियड में, उस टाइम पर विद्रोहियों की सिर्फ एक सजा होती थी मौत, लेकिन जलालुद्दीन खलजी ने मलिक छज्जू इत्यादि के हुए विद्रोह को माफी नहीं किया बल्कि पुनः उसे महत्वपूर्ण जागीर प्रदान कर दी, क्योंकि मालिक के अमीर ये भी थे। अरे मालिक के पुत्रों की हत्या करके आप गद्दी पर बैठे हो, आप ये कैसे भूल गए?
और उसके बाद मालिक के अमीरों को आप विद्रोह करने के पश्चात भी दंड ना दें, तो इसका परिणाम क्या होगा? आपकी अपनी ही आपसे रुष्ट हो जाएंगे। जो आपके प्रति बहुत ज्यादा वफादार है, वही जब आपकी ऐसी नीतियों को देखेगा तो वही रुष्ट हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति को लाभ चाहिए और अपने सुरक्षा की गारंटी चाहिए। और जब आप विद्रोहियों को माफ करके उन्हें पुनः उन्हीं पदों पर स्थापित कर देंगे, तो आप लाभ तो नहीं दे सकते अपने लोगों को भाई। विद्रोहियों को जब हटाएंगे तभी तो आप अपने लोगों को वहां स्थापित कर पाएंगे। और विद्रोहियों को हटाए नहीं, उन्होंने विद्रोह भी किया, उन्हें हटाया नहीं, पुनः उन्हें वही पद प्रदान कर दिए, तो विद्रोही के मन में चीजें क्या आएगी? अरे ये तो रजवा वैसे है, विद्रोह करो, माफी मांग लो, फिर महत्वपूर्ण पद पर। दंड जल्दी नहीं देगा। जब ये सब चीजें एक सोच आ जाती है तो समस्या आती है। अपने जो लोग होते हैं वो भी कहीं दूसरी तरफ जाने लगते हैं। दूसरा, चोर और लुटेरे पकड़े गए। कहते हैं लगभग 1000 चोर और लुटेरे दिल्ली में पकड़े गए। अब जो चोर और लुटेरे पकड़े गए तो इनको दंड तो दो। उन्होंने दंड नहीं दिया, इन सभी को नाव में भरवाया और बंगाल भेज दिया। ये कौन सी बात थी? अरे उनको दंड करो, मारो, पीटो, जेल की सजा दो, फुर्सत लो, दूसरे देश में भेज देना, ये तो कोई विशेष बात नहीं थी। तो उनको क्या, जो लुटेरे या चोर हैं वो जहां जाएंगे वहां नहीं करेंगे? अब कुछ इतिहासकार ये कहते हैं नहीं नहीं, ये तो एक षड्यंत्र के तहत था, ये तो एक नीति थी, उसने इनको वहां इसलिए भेजा ताकि वहां पर बुगरा खां, जो बलबन के पुत्र हैं, बुगरा खां शासन करते थे, तो बुगरा खां को ये प्रॉब्लम क्रिएट करे, वहां चोरी डकैती बढ़ जाए और लोग अलोकप्रिय हो जाए और फिर हम वहां शासन। अरे आप सैनिक दृष्टि से मजबूत अगर हो जाते हैं तो आप बंगाल जब चाहते तब विजिट कर लेते, क्योंकि बुगरा खां जैसा व्यक्ति बंगाल में सैन्य शक्ति की मजबूती नहीं कर सकता था। ठीक, विश्वास तो अलाउद्दीन खिलजी और अलवाज देख ने इस प्रकार तोड़ा कि क्या कह सकते हैं। तो ये सब चीजें थी, इनके में जो भी विद्रोह हुए सब शांतिपूर्ण हल किया, सिर्फ एक विद्रोह को छोड़ करके। वो विद्रोह था सीधी मौला। कहते हैं ये विद्रोह था, लेकिन जब हम लोग देखते हैं सीधी मौला के साथ क्या क्या हुआ, तो उसे विद्रोह नहीं लगता, वो तो सिर्फ ये लगता है कि राजा कान का कच्चा था। सीधी मौला की हत्या, हत्या ये लिखे क्योंकि हत्या हुई है सीधी मौला की। सीधी मौला एक सूफी संत थे, ठीक है, और अजोधन में फरीद गजे शंकर जो चिश्ती संप्रदाय के थे उनके ही अनुयायी थे। कहते हैं ईरान से आए हुए थे, कुछ न कुछ योग्यता भी रही होगी तभी तो इतनी दूर चले आए और इतनी लोकप्रियता। अजोधन में ही अपनी खानकाह चलाते थे। खानकाह का मतलब हुआ लंगर, या इनके रहने का स्थान, जहां रहते थे वहीं एक लंगर चलती थी। और इस लंगर में लगभग 10,000 लोग प्रतिदिन भोजन करते थे। अब अगर इतने लोग भोजन कर रहे हैं तो इसका पूजी तो कहीं ना कहीं आनी चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पूंजी तो आती रही होगी। तो इस पूंजी के लिए यह कहा जाता है कि यह सारा कुछ, बहुत से अमीर भी इनके अनुयायी थे या शिष्य थे, और यह सब चीजों की व्यवस्था वही लोग करते थे। यहां तक कि इनके अनुयायियों में खान खाना का भी नाम आता है कि खान खाना भी सीधी मौला का अनुयायी था। ठीक, इनके ऊपर ये आरोप लगा कि ये सिंहासन हड़पना चाहते हैं। इसीलिए अनुयायियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, अपनी लोकप्रियता का प्रयास कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ करके कभी भी जब इच्छा हो तब विद्रोह किया जा सके। ये सब बात आई
क्या वास्तविकता थी पता नहीं, लेकिन जो भी थी बात, ऐसा कोई नहीं था, ये सिर्फ एक षड्यंत्र का परिणाम था, एक षड्यंत्र किया गया। ठीक है, अब समस्या क्या थी, सीधी मौला को दरबार में बुलाया गया क्योंकि इससे पहले इल्तुतमिश की एक वंश की कन्या से इनका विवाह भी करा दिया गया था, तो यह हुआ कि वैधानिक हो जाएंगे अगर इल्तुतमिश के परिवार से कहीं है ये लीगल दामाद, कोई साला वाला नहीं रह गया तो फिर संपत्ति का उत्तराधिकारी तो दामाद ही बनता है, तो एक उत्तराधिकारी उस नियम से भी हो सकते थे कि पब्लिक विरोध इनका नहीं करती। तो जब देखा कि इनका विवाह उवाह भी हो गया, दरबार में बुलाया गया, इनसे कहा गया क्या ये सत्य है कि तुम ये कार्य करना चाहते हो, इन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। और जब कोई बात किसी के मन मस्तिष्क में घर कर जाती है तो सामने वाला उसे चाहे जितना मना करे, वह व्यक्ति उसी बात की रट लगाए रहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो एकदम 100% सच बोल रहा हूं। लेकिन अगर मेरे दिमाग में ये बात हो गई नहीं वो चोर है, तो वो लाख कसम खा ले, लाख सफाई दे दे, लेकिन मेरे दिमाग वो बात नहीं हटती है, हर बार मुझे ये लगेगा कि ये झूठ। ठीक जैसे यूपी की पुलिस है, कभी कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को भी पकड़ लाती है और रात भर मारती है, वो इसलिए ताकि सही बोल दे, और ऐसा होता है कि वह रात भर सही बोलता है लेकिन पुलिस को विश्वास ही नहीं होता कि यह व्यक्ति सही बोलता है। कहते हैं जब इन्होंने बहुत नकार दिया तो सुल्तान बहुत गुस्सा हुए और मृत्यु की सजा दी। कहते हैं दरबार में ही चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। कहते हैं उसके बाद जब बाहर निकाला गया, कई चाकू मारे गए थे, बाहर निकाला गया तो फिर हाथी के पैरों से दबाया गया, दबा दिया गया, फिर इनकी डेथ हुई। कहते हैं इनकी मृत्यु के बाद बाढ़ आया, बरसात हुआ बहुत जबरदस्त, बाढ़ बरसात आई थी। कहते हैं उसमें स्थिति ये थी कि बहुत से लोग मर गए थे, तो काफी जो इस्लामिक इतिहासकार उन्होंने ये कहा कि एक संत की हत्या का वो परिणाम था कि वो अपने साथ इतने लोगों को ले गया। हमें तो नहीं लगता है कि अगर सीधी मौला जीवित थे और उनके साथ ऐसा किया जाता तो उनसे पूछा जाता कितने लोगों को साथ ले जाना चाहते हो, तो एक धर्म है, धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि धर्म का विकास हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। जलालुद्दीन खलजी के ही समय मंगोलों का आक्रमण हुआ, बारह में अब्दुल्ला के नेतृत्व में। कहते हैं दो तरीके मिलता है, एक तो मिलता है कि इसमें मंगोल पराजित हो गए थे, बंदी बनाए गए, कुछ ये कहते हैं कि नहीं सुल्तान ने अब्दुल्ला से संधि कर ली थी और संधि के पश्चात लगभग 10,000 मंगोल इस्लाम धर्म ग्रहण करते हैं, मंगोलों ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया और दिल्ली में बस गए। यही जो मंगोल बसे यहां पर, ये जो मंगोल बसे इस्लाम धर्म, इन्हें नौ मुसलमान कहा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, यानी जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुए मंगोल आक्रमण के परिणाम स्वरूप जिन मंगोलों ने दिल्ली में बसने की आज्ञा मांगी और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, उन्हीं मंगोलों को नौ मुसलमान कहा गया, पहला। दूसरा, जिस क्षेत्र में दिल्ली में बसे वो क्षेत्र अभी भी है और उसका नाम मंगोलपुरी, तो 10,000 की अब तो बहुत संख्या हो गई। ठीक है, तो ये चीजें थी। फिर हम लोग, इनका विशेष कोई ऐसा था भी नहीं, ठीक है, इस टाइम पीरियड को जब खलजी आई तो इसको हम लोग खलजी क्रांति भी कहते हैं। ठीक, इनसे ज्यादातर ये नौ मुसलमान और दूसरा सीधी मौला का हत्या, सीधी मौला की हत्या, ये दो चीजें आती हैं और विशेष कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, ये है कि दिल्ली वो खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान या संस्थापक कौन था, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
जलालुद्दीन खिलजी के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोह की बात आती है। अलाउद्दीन खिलजी (1296 से 1316) एक टाइम पीरियड है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, हम लोग जब अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि इसका पहले उत्थान कैसे। जलालुद्दीन खिलजी के समय में ये कड़ाके सूबेदार बनाए गए, यानी इलाहाबाद वाला क्षेत्र सूबेदार बनाए गए। यहीं के सूबेदार रहते हुए 1292 में सुल्तान से अनुमति लेकर, यानी जलालुद्दीन खिलजी से अनुमति लेकर के इसने भिलसा का अभियान किया, विंद पहाड़ियों से लगा हुआ क्षेत्र। और इस भिलसा अभियान में ही इन्हें पहली बार देवगिरी की संपत्ति के बारे में जानकारी मिली। यहीं पर यह सुन पाया था कि देवगिरी जो पहाड़ी के उस पार है बहुत धनाढ्य राज है, ये सारी चीजें मिली। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी की सासू माँ भैरानी माँ थी, इनकी पत्नी राजकुमारी थी भाई राज्य की, तो ये दोनों जो हैं अलाउद्दीन खिलजी को ताने बहुत मारती थी। स्वाभाविक है, ऐसा महिलाओं में होता है कि पति जब पत्नी के पिता के अधीन मातहत कर्मचारी हो तो उसकी योग्यता पर पत्नी हमेशा प्रश्नचिन्ह उठाती रहती है और उसकी तुलना अपने पिता से करती रहती है। और ये बात कुछ पतियों को हर्ट करती है, कुछ कहते हैं अरे जाने दो, एक बकैती करती है, आपने आपको सरेंडर कर देते हैं। अलाउद्दीन ऐसा था नहीं, वह इन ताने को बहुत सीरियसली लेता था और इन तानों का बदला लेने के लिए ही इसने इसी के बाद देवगिरी अभियान की पूरी रूपरेखा बना डाली। क्योंकि वो जानता था यदि हम देवगिरी अभियान करते हैं यहां से तो जो धन मिलेगा वो धन इसे सिंहासन पर बैठा सकता है। इसलिए जब सुल्तान जलालुद्दीन ग्वालियर अभियान पर निकले तो यह अपने चुने हुए लगभग 8000 घुड़सवारों के साथ, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी की जो नीतियां थी उदार रस्मों में बहुत उदारता की, काफी खिलजी सरदार जो जुआ थे वो रुष्ट हो गए थे उन सब चीजों से, और धीरे धीरे वो सभी सरदार ऐसे जो आक्रामक नीति का अवलंबन कर सके वो सब अलाउद्दीन के पास एकत्रित हो रहे थे। तो धीरे धीरे अलाउद्दीन के पास खिलजी सरदारों की संख्या भी बढ़ रही थी, क्योंकि अलाउद्दीन ही ऐसा था जो उन सभी युवा खिलजी सरदारों की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता था। ठीक है, 8000 चुने हुए घुड़सवारों के साथ देवगिरी के लिए एक गुप्त योजना बनाई और कहते हैं 1296 में यह देवगिरी पहुंचकर देवगिरी को विजित कर लिया। कुछ संयोग था, कुछ इसका भाग्य भी था कि देवगिरी विजित कर लिया। कुछ अफवाहें भी थी, कुछ इसकी अच्छी रणनीति भी थी कि वहां विजय प्राप्त करता है। कहते हैं जब देवगिरी को विजित कर लिया तो यहां देवगिरी से इसे बहुत ज्यादा सोना मिला। सुल्तान को इस बात की जानकारी ग्वालियर में ही हो गई कि वह गुप्त रूप से देवगिरी गया था, वहां विजित करने के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में स्वर्ण ला रहा। सुल्तान के संबंधी अहमद चप ने सुल्तान को सलाह दी कि महाराज यह धन अलाउद्दीन को कहीं न कहीं विश्वासघाती बना सकता है, इसलिए अच्छा होगा
कि आप अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर पहुंचने से पहले ही मार्ग में ही उसे रोककर उससे संपत्ति ले ली जाए। लेकिन चूंकि सुल्तान इतना उदार भाई, दूसरों को माफी कर दे तो अपने दामाद और भतीजों को क्यों नहीं माफ कर सकता था भाई? उदारता तो ऐसी होनी चाहिए कि सबको माफ कर दो। तो जब ये देखा गया, सुल्तान ने ये चीज देखी, तो सुल्तान ने अहमद चक को शांत रहने कहा और स्वयं सेना सहित दिल्ली आ गए। कहते हैं, बिना किसी व्यवधान के अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी से लूटी गई संपूर्ण संपत्ति के साथ कड़ा मानिकपुर पहुंच गया। जब ये कड़ा मानिकपुर पहुंचता है तो यहां पहुंचने के पश्चात इसने एक चिट्ठी लिखी सुल्तान को। चिट्ठी में इसने उद्धृत किया कि मैं अपने इस गुप्त अभियान से या वहां से लाई गई संपत्ति से इतना ज्यादा व्यथित हूं, इतना ज्यादा भयभीत हूं सुल्तान से कि मुझे दिल्ली आने में डर लगता है। मैं सुल्तान से मिलकर माफी मांगना चाहता हूं, उनके कदमों में पड़कर माफी मांगना चाहता हूं ताकि मेरे इस अभियान को वो माफ कर सकें और संपत्ति जो है वो आकर के सुल्तान ले जाए। मैं दिल्ली नहीं आ सकता, मैं इतना ज्यादा भयभीत हूं। एक सी बात सुल्तान को लगा नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। सुल्तान ने गंगा तक का तट के नदी के मार्ग से आए और अहमद चक के नेतृत्व में सुल्तान की सीमा गंगा की दूसरी तरफ से। अलाउद्दीन ने जब देखा कि ये सब चीजें हैं, क्योंकि इसकी गुप्तचर व्यवस्था, इसको सारी सूचना मिल रही थी, इसके भाई अलमास बेग सुल्तान के ही साथ थे। अलाउद्दीन ने देखा कि सुल्तान इस साइड से आ रहे हैं, तो ये दूसरे साइड कड़ा से हट करके मानिकपुर साइड चल गया। सेना भी सुल्तान की इस साइड में है, अलाउद्दीन सेना के उस साइड नदी के उस पार है। जून जुलाई एक महीना है, गंगा भरी रही होंगी, तैर के तो सैनिक पार नहीं कर सकते थे। ऐसे में यह हुआ कि सेना को वहीं रहने दो, अलाउद्दीन वहां अपनी सेना सहित, सुसज्जित सेना सहित खड़ा है। सुल्तान से कहा कि आप कुछ अंगरक्षकों के साथ नाव में बैठ करके चलिए, वहां माफ कर दीजिए उसको। अलमास बेग ने समझाया, नाव पे बैठ गए। और जब नाव में बैठ गए, नाव 20 धारम पहुंची, तो अलमास बेग ने फिर सुल्तान को कहा कि महाराज इतना अस्त्र शस्त्र लादे हुए हो, कहीं ऐसा ना हो कि अस्त्र देख करके आपको, हथियार उथियार में देख करके अलाउद्दीन भाग जाए। तो उन्होंने पूछा उपाय, अस्त्र शस्त्र भी निकाल के ही नाव में रख दिया जाए। कहते जब सुल्तान नाव से बाहर उतरे उधर, तो निशस्त्र थे। अलाउद्दीन तुरंत पैरों में गिर पड़ा। सुल्तान ने अलाउद्दीन को उठा करके गले लगाया, माफी दी और फिर वापस हालचाल हुआ। उसके बाद वापस जब नाव की तरफ चलने लगे, तो अलाउद्दीन के इशारे पर अलाउद्दीन के एक तलवारबाज ने सुल्तान पर हमला किया। सुल्तान नाव की तरफ भागे, यह कहते हैं तूने ये क्या किया, अरे अलाउद्दीन तूने ये क्या किया। पुनः दूसरे ने हमला किया और सुल्तान का सिर काट लिया गया। दूसरे जो इनके साथ गए थे उनको भी मार दिया गया, सिर्फ कोतवाल फखरुद्दीन को छोड़ करके। अहमद जब सेना लेकर के किसी तरीके से वापस दिल्ली पहुंचते, और उधर अलाउद्दीन का राज्याभिषेक वही गंगा के तट पर हो जाता है। अब समस्या ये थी कि अलाउद्दीन में अभी भी साहस इतना नहीं था कि वह दिल्ली पर अधिकार कर सके, लेकिन दिल्ली में ऐसी परिस्थितियां जन्म ले लेती हैं कि अलाउद्दीन को मौका मिल गया। परिस्थितियां देखिए क्या थी। हुआ क्या कि 1296 से पहले ही खानखाना की मृत्यु हो गई थी। अरकली खान जो कि सबसे योग्य था, इनका पुत्र, वो मुल्तान में था। दिल्ली में खाने मलिका, मलिका जहां, इन्होंने क्या किया, अपने सबसे छोटे पुत्र को कद्र खान को सुल्तान घोषित कर दिया। समस्या यही से हो गई। और जैसे इन्होंने कद्र खान को सुल्तान बनाया, अरकली खान नाराज हो गया, वह दिल्ली आया ही नहीं। जो सबसे योग्य है जलालुद्दीन का पुत्र, जो अलाउद्दीन को समाप्त कर सकता था, अलाउद्दीन को रोक सकता था,
लोगों को अपने साथ जोड़े रह सकता था, वह नाराज है और स्वयं को मुल्तान में ही रोक लिया। अब दिल्ली में क्या होता? अलाउद्दीन को ऐसी परिस्थितियां लगी, अलाउद्दीन को लगा नहीं अब तो अच्छा है, अलाउद्दीन दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहिए। अरकली खां कद्र खां के सपोर्ट में आएगा नहीं, वो दोनों भाई आपस में, जब दोनों भाइयों को एक साथ होना चाहिए था तब दोनों भाई अलग अलग मोर्चे पर थे। अलाउद्दीन अपने भाई अलमास बेग के साथ था, अलाउद्दीन ने संपत्ति ली और दिल्ली के तरफ तक चल दिया। जो भी सेना थी वहां पर उसको किया क्या, इसने हर चौराहों पर ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं बिखेरता था और जिन लोगों को स्वर्ण मुद्रा मिल जाती थी वो अलाउद्दीन के साथ हो जाते थे। कहते हैं जब अलाउद्दीन पहुंचा दिल्ली के बाहर तो उसके पास लाखों की सेना थी। कद्र खां भी निकला मुकाबले के लिए और स्थिति हुआ युद्ध होने से पहले ही कद्र खां की सेना का संपूर्ण वामपक्ष अलाउद्दीन से जा मिला। बिना युद्ध हुए ही कद्र खां मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए, बाद में पहुंचे मुल्तान, वहां पर सब चीजें हुई। लेकिन अब अलाउद्दीन इतना शक्तिशाली था कि ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे। बाद में हमला किया और बाद में सबकी हत्या करवा दी अलाउद्दीन ने। ठीक है, ये चीजें हुई। तो अलाउद्दीन 1296 में दिल्ली के सिंहासन पर इस षड्यंत्र के माध्यम से, यानी अपने चाचा व ससुर की हत्या करके गद्दी पर बैठा। ठीक, अब अलाउद्दीन अगर गद्दी बैठ गया है षड्यंत्र के माध्यम से, भाई कुछ तो होगा ही, काम तो होंगे ही, क्योंकि अब एक युवा व्यक्ति है, एक जोश है, कुछ नई चीजें आएंगी। तो देखते हैं नई चीज क्या थी, काम इनके देखा जाए क्या क्या हुए प्रमुख। तो लग रहा है हम लोग थोड़ा ज्यादा डीप जा रहे हैं, थोड़ा सा और स्टार्ट करना पहले। ठीक, जैसे सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण इन्हीं के समय। ठीक, दक्षिण विजय इसी के द्वारा किया गया। बाजार व्यवस्था इन्हीं के द्वारा अपनाई गई। ठीक है, दूसरा कर में वृद्धि इसी के द्वारा किया गया। साम्राज्य विस्तार मतलब कई काम हुए इनके, और जो भी काम थे वो सब जबरदस्त तरीके से। ठीक है, प्रारंभिक नाम जो हम देखते हैं अलाउद्दीन का तो है अली गुरसास। अली गुरसास, ठीक। अब जब और भी नाम देखते हैं तो इन्होंने कई उपाधियां ली, जैसे खजाइनुल फुतू जो मलिक खुसरो की है, अमीर खुसरो की, खजाइनुल फुतू ये रचना, इसमें अमीर खुसरो ने कई उपाधियां दी हैं, जैसे विश्व का सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं, ठीक, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, सुल्तान, ठीक, युग का विजेता, और जनता का चरवाहा। इसने स्वयं जो उपाधियां ली उसमें सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर, विश्व विजय के स्वप्न देखता था, लेकिन बाद में समझाने पर इसने विश्व विजय छोड़ दिया। ठीक, खलीफा का नायब या अमीरुल मुमिनीन, खलीफा का नायब, यानी खलीफा को मान्यता दी है। ये चीजें की। हाँ, इसी समय से अमीर वर्ग में हिंदुओं का भी प्रवेश होता है।
योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा इसी समय से प्रारंभ होता है। ठीक है, अलमास बेग को इसने उलूग खां की उपाधि दी। ठीक है, अपने लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया। बैठाने के पश्चात एक अच्छी खासी सेना का संगठन जरूरी था और वह सैनिक संगठन इसने किया भी अलाउद्दीन खिलजी ने। समस्या ये थी कि अगर सैनिक संगठन कर रहे हैं तो सैनिक संगठन का परिणाम क्या होगा, वो सैनिक संगठन कैसे चलेगा, क्या रहेगा उसमें, क्या चीजें कैसे होंगी, ये सारी चीजें बात आती है। ठीक, जैसे अब इनमें हम लोग जो इनके कार्य हैं उसमें देख लेते हैं क्या क्या था। जैसे मंगोल आक्रमण, अलाउद्दीन के समय में समकालीन मंगोल शासक दवा खान 1297 से ही मंगोल आक्रमण प्रारंभ होता है और 1307-8 तक जारी रहता है और लगातार हमले हुए। ठीक है, 1297 में कादर का, 98 में सालदी का, 99 में कुतलुग ख्वाजा का। 1298 में सालदी, ये दवा खां का भाई था, कहते हैं इसमें सालदी जब हमला किया तो जफर खां ने सालदी से मुकाबला करने के लिए पहुंचे, सालदी को पराजित किया, सालदी को बंदी बना लिया और लाकर के दिल्ली में हत्या कर दी गई। अब दवा खां का भाई बंदी बनाने के बाद हत्या किया जाए तो क्या दवा खां इस बात का बदला लेना नहीं चाहेंगे? तो बदला लेने के लिए 1299 में कुतलुग ख्वाजा, जो कि इनका पुत्र था दवा खां का, उसे भेजा गया। कहते हैं बहुत बड़ी सेना के साथ आया था और ये दिल्ली तक पहुंच गया। प्रारंभ में दिल्ली के कोतवाल ने कहा कि मंगोलों से समझौता कर लो, कुछ ले दे करके मामला सलटा दो, बात यही आती है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जैसा व्यक्ति ऐसे तो समझौता नहीं करता। अलाउद्दीन खिलजी मुकाबले के निकलता है, चूंकि जफर खां पहले से ही इनकी शक्ति से वाकिफ थे। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जफर खां, उलूग खां, नुसरत खां, यानी सभी प्रमुख सरदारों के साथ अलाउद्दीन खिलजी सीरी के मैदान में। कहते हैं अभी आमने सामने सेनाएं व्यवस्थित रूप से खड़ी थी, आक्रमण करने का किसी को आदेश नहीं था, वेट एंड वॉच वाली स्थिति हो रही थी। लोगों से, अमीरों से कहा कि अभी रुके रहो, तुम्हें आक्रमण नहीं करना। जफर खां को लगा कि आक्रमण की घोषणा हो गई। कहते जफर खां ने आक्रमण कर दिया। जफर खां का आक्रमण इतना भीषण था कि अकेले ही उसने मंगोल सेना को पराजित कर दिया और लगभग 16 मील तक पीछा किया। कहते जब मंगोलों को भगा करके जफर खां वापस हो रहा था तो तारगी के नेतृत्व में मंगोलों की 10,000 की सैन्य टुकड़ी ने जफर खां को घेर कर मार दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, उलूग खां या किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। ठीक, 1303 में तारगी ने अचानक हमला किया। कहते हैं चित्तौड़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली आए थे। जब तारगी ने हमला किया तो उसमें अधिकतर सेना भी बाहर ही थी। अलाउद्दीन को किसी तरीके से किले के अंदर बंद रह करके अपनी सुरक्षा करनी पड़ी, क्योंकि मंगोल किले जीतने की कला से बहुत अच्छा परिचित नहीं थे। इसलिए 2 महीने तक तारगी ने आसपास के क्षेत्रों को लूटा और आसपास के क्षेत्रों को लूटने के बाद वो वापस चला गया। कहते इस हमले से अलाउद्दीन खिलजी काफी भयभीत हुए और उन्होंने इसी के बाद सीरी के महल इसकी रज का निर्माण करवाया, मजबूती बनवाई, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसा भी आक्रमण हो जाए तो हम राज दुर्ग के अंदर रह करके अपनी सुरक्षा कर सके, डर ना लग रहे कि दुर्ग की प्राचीर टूट जाएगी, आ जाएगा, ये सब चीजें। ठीक है, तो एक मंगोल आक्रमण हुआ 1303, तारगी दिल्ली तक चढ़ा, कुतलुग ख्वाजा को जफर खां ने पराजित किया, लेकिन उसी में तारगी के द्वारा
वापस होते हुए जफर का को घेर करके मार दिया गया। ठीक सालदी कुतलुक खजा तो मंगोलों के आक्रमण, बाद में जो भी आक्रमण हुए वो मंगोल क्षेत्रों में घुस करके किए गए। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, ठीक सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण, और जो भी मंगोल आक्रमण हुए उसमें अलाउद्दीन को विजय मिली। यानी अलाउद्दीन पराजित नहीं हुए बल्कि विजेता के रूप में अलाउद्दीन आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहां आई। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। सैन्य व्यवस्था, अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। वेतन भी कितना, 234 टंका या 19.5 टंका प्रति माह, यह है टंका प्रति वर्ष। ठीक, ये किसी एक सैनिक का वेतन होता था। अब अगर उसके पास घोड़ा है तो इसमें 78 टंका और जोड़ दिया जाता था। यानी 315-12 टंका प्रतिवर्ष एक अश्वा सैनिक को नगद प्रदान किया जाता था। इसमें घोड़े का भी राशन पानी का खर्चा यानी घोड़े का भी वेतन सम्मिलित होता था। एक अच्छा खासा वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय अपने सैनिकों को दिया। ठीक, दूसरा, सैन्य व्यवस्था में जो भी भ्रष्टाचार था वह इसने समाप्त कर दी। सैनिकों का हुलिया लिखा जाना, घोड़ों को दागने की प्रथा इत्यादि इसे कठोरता से लागू किए। तो जब ये सारी चीजें कठोरता से लागू हो जाएंगी तो सेना अपने आप ही अच्छी बन जाएगी, सेना योग्य हो जाएगी, सेना की क्वालिटी बढ़ जाएगी। जब ये सारी चीजें अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाती है तो फिर दबाव की दिक्कत या समस्या किसी प्रकार की नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ ये सब चीजें आई, इन्होंने इसको व्यवस्थित रूप से लागू किया और चीजें की। ठीक है, विद्रोह, अलाउद्दीन के प्रारंभिक समय में ही इनके अपनों ने यानी जो काफी नजदीक थे उन्होंने ही 4 विद्रोह किए। एकाध विद्रोह तो ऐसे थे जिसमें अलाउद्दीन किसी तरीके से बच पाया, नहीं मार दिए गए होते। अकत खां के विद्रोह में तो यही स्थिति थी, अलाउद्दीन मूर्छित हो गए, किसी तरीके से बच पाए थे अन्ना मार दिया गया होता। लेकिन जो भी विद्रोही थे इनको तो मारा ही गया, इनके परिवार के लोगों की भी हत्या कर दी गई थी। जो भी इनके सहयोगी थे उन सबको भी मारपीट दिया गया था, कोई छोड़ा नहीं गया, सबकी हत्या की गई। ठीक है, अलाउद्दीन ने इन विद्रोहों के कारणों की जांच की और कारण में उसे यह लगा कि इन विद्रोहों के पीछे कुछ प्रमुख रीजन है। पहला, अमीरों का आपसी संबंध, वैवाहिक संबंध जब हो जाता था तो एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़ जाते थे, और जब एक दूसरे से काफी जुड़ जाते हैं तो फिर अगर एक रिश्तेदार विद्रोह करते हैं तो दूसरा तो जरूरी है। भाई ससुर जी विद्रोह किए हैं किसी के साथ खिलाफ तो दामाद विरोध में तो जाएगा नहीं ससुर जी के, दामाद भी तो ससुर जी के साथ ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर वो चीजें आई। तो उसने पहली चीज, एक चीज ये कि वैवाहिक संबंध जो होते हैं उनकी वजह से, दूसरा अत्यधिक संबंध, अत्यधिक संपत्ति का इकट्ठा होना। उसने कहा जब संपत्ति ज्यादा हो जाती तभी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और सत्ता की प्राप्ति का प्रयास करता है, इसलिए संपत्ति नहीं होना चाहिए। तीसरा मदिरा पान, लोग जो होते हैं उस मदिरा पान पे भी रोक लगा देने की बात आई। ठीक है, चौथा गुप्तचर विभाग, यानी सूचनाएं सुल्तान तक नहीं मिल पाती हैं। इसलिए अलाउद्दीन ने भविष्य में होने वाले ऐसे विद्रोहों को रोकने के लिए 4 अध्यादेश पारित किए उसने। पहला क्या था, देखिए विद्रोहों को रोकने के लिए 4 अध्यादेश। पहला वैवाहिक संबंध,
बिना सुल्तान की आज्ञा के नहीं हो सकता। आपसी वैवाहिक संबंध तुम जैसी चाहो ऐसे ही नहीं होगा, उसमें सुल्तान की आज्ञा होगी। दूसरा, जुआ, शराब, बैठक, मंत्रणा इत्यादि पर रोक लगा दी। स्वयं राजमहल में रखे गए शराब के सारे बर्तन तुड़वा डाले। इसने ये कहा कि जो जुआ होता है, शराब होता, आपसी बैठक होती है, खान पान होता है, इन्हीं तो सारे षड्यंत्र बनते हैं विद्रोह इत्यादि के। तो अगर हम यही सब बंद कर दें तो कोई विद्रोह हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसने इस पर रोक लगा दी। तीसरा, गुप्तचर विभाग का समर्थन किया। और इस गुप्तचर विभाग के अंतर्गत इसने क्या किया, प्रत्येक अमीर के घर में गुप्तचर नियुक्त कर दिया, जब ताकि सारी सूचनाएं सुल्तान को आसानी से प्राप्त हो सकें। ठीक, अब सोचिए, हर घर के बात है, तो अगर थोड़ी सी भी षड्यंत्र की बात होती है सुल्तान तक बात पहुंच गई, क्या होगा, काट दिए जाओगे। ठीक। नौ, चौथा, धनी व्यक्तियों के की संपत्ति छीन ली गई। उसने कहा कि व्यक्ति के पास इतना होना चाहिए जिससे वो भूखो ना मिले, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वह विद्रोही हो जाए। यानी व्यक्ति अगर इस टाइम का खाना खाता है तो शाम के खाने के लिए उसे सोचना पड़े, वह जब तक कार्य नहीं करेगा तब तक वह शाम के खाने की व्यवस्था नहीं करेगा, नहीं कर सकता। ऐसी अगर स्थिति होगी तो व्यक्ति सिर्फ अपने पेट को पालने के बारे में सोचेगा, वह विद्रोह के बारे में सोच ही नहीं सकता। जबकि सोच क्या बात थी, यह हला होती। ठीक है, तो इन चारों के बाद जब ये सारी चीजें लागू की गई कठोरता से, तो स्थिति की इसी के बाद अलाउद्दीन के साम्राज्य में विद्रोह नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट, अलाउद्दीन पे पढ़ा जाए तो पूरी दो क्लास चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग सिविल में पीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो अलाउद्दीन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक ही आध क्वेश्चन आते हैं बस। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आता क्वेश्चन। देखिए, गुजरात विजय, इसमें एक चीज और देख लें, कुछ ही विजय हम लोग पढ़ेंगे। गुजरात विजय 1299 97 में, संतानवे में नुसरत खां और उलूग खां, ये सेनापति थे जिन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात के शासक थे राजा राय करण। कहते हैं इन दोनों ने इन्हें पराजित किया, ये छोड़कर के भाग गए दक्षिण की तरफ। राजा राय करण अपनी पुत्री देवल देवी देवी के साथ दक्षिण भाग गए। उलूग खां को इनकी पत्नी कमला देवी मिली, इन्हें दिल्ली लाया गया, जिससे अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया और अलाउद्दीन की सबसे प्रिय रानी हो गई। ठीक। दूसरा देखिए, इसी गुजरात अभियान में एक व्यक्ति मिला था हिजड़ा,
मलिक काफूर, ये बाद में नाम दिया गया। इसे खरीदा गया, योगिता से बड़े प्रभावित हुए और अंत में 1000 दिनार यानी स्वर्ण मुद्राओं से इसे खरीदा गया, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। खंभात नगर में मिला था ये, ठीक है, मलिक काफूर। और अलाउद्दीन की दक्षिण भारत का विजेता, कहते हैं दक्षिण भारत के अधिकतर अभियानों का नेतृत्व इसने ही किया था, ठीक है। तो ये चीजें आई। एक और जो महत्वपूर्ण आक्रमण है अलाउद्दीन का, वो है चित्तौड़। चित्तौड़ 1303, चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह, ठीक, कहते चित्तौड़ का घेरा डाला गया, बाद में चित्तौड़ विजिट किया गया, राणा रतन सिंह की युद्ध में मृत्यु होती है। लेकिन अकबर के समय में मलिक मोहम्मद जावसी की एक रचना आती है, पद्मावत, ठीक है। अमीर खुसरो में भी रानी लीला और शैबा की कहानी आती है, शैबा और लीला की कहानी आती है। तो ये जो किया गया वो उसी समय से, कहते हैं कि राणा रतन सिंह की एक पत्नी थी पद्मावती, कहते हैं बहुत रूपवती थी। इनके विषय में अलाउद्दीन को पता चला तो अलाउद्दीन जैसे कामुक व्यक्ति ने पद्मावती को पाने का प्रयास किया और चित्तौड़ के किले का घेरा डाल दिया। कहते हैं काफी दिन तक पड़े रहे, बाद में वह संधि किया जाए, तो अलाउद्दीन ने संधि का प्रस्ताव लाया था। इसने एक संधि प्रस्ताव रखा ये कि यदि मुझे रानी पद्मावती के एक दर्शन करा दिए जाए तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। व्यवस्था की सी से मेरा रानी पद्मावती के चित्र दिखाए गए। कहते जब चित्र दिखाए गए तो अलाउद्दीन शांत हो गया। राणा रतन सिंह तो दोस्ती हो गई थी, राणा रतन सिंह अलाउद्दीन को आए उसके शिविर तक छोड़ने। कहते हैं जब राणा रतन सिंह शिविर तक छोड़ने आए तो अलाउद्दीन ने यह छल किया, राणा रतन सिंह को बंदी बना करके दिल्ली लेकर चला और एक प्रस्ताव रख दिया मेवाड़ चित्तौड़ के लोग सामने कि जब तक रानी पद्मावती मेरे पास नहीं आती है तब तक राणा रतन सिंह बंदी रहे। रानी पद्मावती ने भी छल का परिणाम छल से ही देना चाहा। 1000 पालकियों में अपनी दासी, बताया कि दासियां हैं, लेकिन सब योद्धा कुशल योद्धा, उनको तैयार किया और पहुंच गई दिल्ली। गई राणा रतन सिंह से मिली, उनको छुड़ाया और फिर निकल आई। रास्ते में विकट परिस्थिति पर अलाउद्दीन ने उसके बाद आक्रमण किया। चित्तौड़ की सेना पराजित होती है, राणा रतन सिंह चूंकि घायल ही थे युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं और रानी पद्मावती ने सभी स्त्रियों के साथ मिलकर के जौहर का पालन कर लिया। देखिए तो एक तो ये दो विजय है, चित्तौड़ विजय 1303 में किया, ठीक है। चित्तौड़ विजय से जैसे ही लौटा था वैसे ही तारगी का आक्रमण हो गया था। आगे हम लोग अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था में मूल्य निर्धारण प्रणाली, लागत मूल्य के आधार पर वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए अलाउद्दीन ने, यानी अपनी बाजार व्यवस्था के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सभी वस्तुओं के एक दाम निश्चित कर दिए। और उन दाम का स्थिति ये थी कि कोई भी सामान्य अधिकारी या बड़े से बड़ा अधिकारी भी उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। ये स्थिति थी बाजार व्यवस्था की, ठीक। अब देखिए इस बाजार व्यवस्था को सही से चलाने के लिए उसने एक बलग विभाग का दीवान ए रियासत, सहना ए मंडी, मंडी मुनहियांस, बरीद और भी बहुत से
अधिकारी नियुक्त किए। कहते हैं घटतौली बढ़ी मूल्य बिक्री ठीक, कालाबाजारी, इन सभी पर इसने रोक लगा दी। बाजार में आप सामान चाहे जितना लाओ उसके लिए इसने गोदाम बनवा दिया, अनाज रखने के गोदाम बनवा दिए बाहर से, आसपास खालसा की जो भूमि थी सभी जगह से जो भी अनाज लेता था राजस्व लेता था वो अनाज के रूप में, कि अगर अकाल पड़ता है तो अकाल की स्थिति में लोग भूख से ना मरे। ये चीजें की, कालाबाजारी पर रोक लगा दी, एक निश्चित मात्रा में ही आप सामान ला सकते हो, एक निश्चित मात्रा में ही आप अपने पास सामान का स्टॉक कर सकते हैं, ये सारी बजा दे। घटतौली पर तो बहुत कठोरता, कहते हैं छोटे छोटे बच्चे थे उनको पैसा दे करके वस्तु मंगाने के लिए भेजा जाता था, और जब वो वस्तु लेकर के आता था बच्चा तो जो राष्ट्रीय मापक यंत्र थे उनमें वो तौले जाते थे। अगर वस्तु समान मात्रा में है तब तो ठीक है, अगर वस्तु समान मात्रा में नहीं उसमें 150 ग्राम की कमी है तो जिस दुकानदार ने घटतौली की है उस दुकानदार के शरीर से उतने ग्राम मांस निकाल लिया जाता था। सोचिए ये स्थिति है, तो ऐसे में समस्या तो हो ही सकती थी, एक डर का माहौल तो बन ही सकता था, और अगर डर इतना ज्यादा कर दिया जाए पैदा कर दिया जाए तो लोग विरोधी नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजस्व वसूली, अलाउद्दीन ने सल्तनत काल में सबसे ज्यादा राजस्व वसूल किया। इसने भू राजस्व 50% वसूल किया। भू राजस्व के अतिरिक्त घरी और चरी कर अतिरिक्त दिए, अन्य कर सब मिला करके लगभग 80% 75-80% तक उत्पादन का अलाउद्दीन ले लेता था। इसका उद्देश्य यह था, इसका कहना यह था कि राजस्व इतना हमें ले लेना चाहिए कि किसी व्यक्ति के पास इतना बचे कि वो अपने पेट को पाल सके, इतना कम भी ना बचे कि वो विद्रोही हो जाए। ठीक है, तो चरी कर जो था सिर्फ दुधारू पशुओं पर लगता था, जो दुधारू नहीं होती थी उन पर नहीं लग सकता था। ठीक है, तो ये चीजें, यानी सबसे ज्यादा राजस्व अलाउद्दीन खलजी ने ही। दूसरा देखिए आया रहा निकला खम्श, खुम्श एक ये कर होता था जो लूट का माल होता था, यानी जब युद्ध में जाते थे सैनिक तो सैनिकों के द्वारा युद्ध के क्षेत्र में लोगों से जो लूटा जाता था विपक्षी लोगों के यहां घरों में लूट करके जो लूटते थे वो लूट का माल खम्श कहलाता था। शरीयत के मुताबिक इसमें सुल्तान और सैनिक दोनों के अलग अलग हिस्सेदारी होती थी। ठीक, जैसे सुल्तान की हिस्सेदारी 1/5, सैनिक की हिस्सेदारी 4/5, ये शरीयत के अनुसार है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको एकदम उलट दिया। उसने सुल्तान की हिस्सेदारी 4/5 कर दी और सैनिक की हिस्सेदारी 1/5 कर दी। कहते प्रारंभ में जब किया था तो 9 मुसलमानों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो ये भी इन्होंने किया। दूसरा, जब न्याय की बात आती है तो न्याय व्यवस्था में भी इसने काजीउल कुजात के माध्यम से उसको भी मजबूती से लागू किया। अब दक्षिण विजय,
अलाउद्दीन के समय में दक्षिण भारत में चार राज्य, देवगिरी, राजा रामचंद्र देव, इधर प्रताप रुद्र देव, ये बीरबल लाल थर्ड, यहां पांडे, वीर पांडे, ये चार, ठीक। ये तेलंगाना, यह वारंगल, यह पांडे राज्य, ये चार राज्य थे, ठीक। देवगिरी में राजा रामचंद्र देव, जिन्हें पराजित किया गया था 1296 में, पराजित होने के बाद एक संधि हुई थी जिसमें इन्होंने प्रतिवर्ष अलाउद्दीन को राजस्व भेजने का वचन दिया था, लेकिन किसी कारणवश 1303 में अलाउद्दीन का एक सैन्य अभियान भारत के इस साइड से होता है जिसमें अलाउद्दीन की सेना पराजित होती है प्रताप रुद्र देव के खिलाफ, और इसी के बाद राजा रामचंद्र देव ने भी अलाउद्दीन को राजस्व नहीं भेजा, और अंततः अलाउद्दीन ने अब दक्षिण, जब उत्तर भारत लोग सब विजित हो चुका था, तो दक्षिण भारत में इसने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजा। कहते हैं मलिक काफूर ने राजा रामचंद्र देव को पराजित किया और बंदी बनाकर दिल्ली लेकर के आया। कहते हैं दिल्ली में अलाउद्दीन ने राजा रामचंद्र देव के साथ अच्छा व्यवहार किया, राय राहन की उपाधि दी, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी, छत्र और ताज ये सब भी दिया। कहते हैं राजा रामचंद्र देव बहुत संतुष्ट हुए और अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय के लिए अपना एक मित्र, कहते हैं और सब राज्यों पर अब विजय करने के लिए राजा रामचंद्र देव ने मलिक काफूर की भरपूर सहायता की, ठीक है। यहाँ ये हुआ, फिर बाद में तेलंगाना पराजित किए गए, वारंगल पराजित किए गए, दक्षिण में केवल पांड्य राज्य ही ऐसा था जिसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक, यानी यह एक स्वतंत्र बना रहा, अन्य सभी राज्यों ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। अलाउद्दीन ने किसी भी राज्य को प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया बल्कि इनको पराजित किया, पराजित करने के बाद अधीनता स्वीकार करवाई और फिर उन्हीं को ट्रांसफर कर दिया शासन के लिए। यानी अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत अभियान सिर्फ और सिर्फ पैसे की प्राप्ति के लिए किया था, साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं, ताकि उसके पास पूंजी की कभी कोई कमी ना होने पाए, क्योंकि दक्षिण ऑलरेडी बहुत समृद्ध था। दूसरे काम देखते हैं और अलाउद्दीन के बहुत से काम भाई। अलाउद्दीन की वास्तुकला, वास्तुकला में एक अलाई दरवाजा, दिल्ली में है अलाई दरवाजा, ठीक है, कुतुब मीनार के पास। दूसरा कुश्केशीरी, तीसरा श्रीनगर का निर्माण, ठीक है। ये दिल्ली में हजार स्तंभों वाला भवन, स्तून का महल, ये कुछ इमारतें हैं, हौज ए खास या हौज ए अलाई, इसका निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन द्वारा निर्मित कुछ इमारतें थी, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन ने सिर्फ साम्राज्य विस्तार, बाजार नियंत्रण, देव दक्षिण भारत, मंगोल विजय ही नहीं किया बल्कि उसने कुछ रचनात्मक कार्य भी किए थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने अपनी राजनीति में धर्म को बहुत ज्यादा प्रवेश होने नहीं दिया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन जितना है पर्याप्त है हमको लग रहा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अलाउद्दीन से।
कहते हैं अलाउद्दीन जब बीमार हुआ अंतिम समय में तो बड़े षड्यंत्र हुए। इसका जो सबसे नजदीक व्यक्ति था मलिक काफूर, उसने षड्यंत्र किया। अलाउद्दीन के बेटे खिज्र खान इसे अंधा करके बंदी बना लिया, क्योंकि यही उत्तराधिकारी था। और दूसरा एक पुत्र सिहाबुद्दीन उमर इसे शासक बनाया और स्वयं संरक्षक बन गया। ठीक, सिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाकर स्वयं संरक्षक बन जाता है। अब समस्या यह थी, ये सिहाबुद्दीन उमर जो हैं झात्यपाली के पुत्र थे। झात्यपाली कौन थी? ये अलाउद्दीन की पत्नी और राजा रामचंद्र देव की पुत्री, यानी झात्यपाली अलाउद्दीन की पत्नी और राजा रामचंद्र देव की पुत्री। ठीक है, सिहाबुद्दीन उमर कहते हैं सिहाबुद्दीन उमर की हत्या करके बाद में स्वयं शासक बन जाता है। और जब शासक बन गया तो उसने एक बंदी पुत्र मुबारक शाह खलजी, कहते हैं मुबारक शाह ही नाम था, इसकी हत्या करने के लिए हत्यारे भेजता है। लेकिन मुबारक शाह खलजी ने हत्यारों को एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, अपनी जो माला थी मोतियों की वह हत्यारों को दे दी, उन्हें राज परिवार के खिलाफ शपथ याद दिलवाई और अंततः उन हत्यारों ने मुबारक शाह खिलजी को निकाल दिया और हत्यारे खिलजी के साथ मिलकर के काफूर की हत्या कर देते हैं और शासक बना मुबारक शाह खिलजी। टाइम पीरियड था इसका 1316 से 1320। सल्तनत कालीन, संपूर्ण सल्तनत काल में इकलौता ऐसा जिसने स्वयं को खलीफा कहा। यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, देवगिरी को साम्राज्य में मिलाया। ठीक, नेक्स्ट, इसके विषय में एक चीज और है जो काफी इंटरेस्टिंग है। यह कहा जाता है यह व्यक्ति समलैंगिक था, इसे नग्न लोगों की संगति अच्छी लगती थी। कहते हैं इसके विषय में कि यह दरबार में कभी कभी नग्न आ जाया करता था, स्त्रियों की वेशभूषा में आ जाया करता था, यानी दरबार को इसने ऐसा बना दिया, यानी कोई भी अच्छा व्यक्ति इसके दरबार में नहीं जाता था। कहते हैं इसके दरबार में अधिकतर वेश्याओं का प्रवेश हो गया। भाई नग्न रहना है तो कोई भी रह सकता है, जिसको नग्न रहने का शौक होता था वो इसके दरबार में बैठते थे। इसका सबसे खास व्यक्ति खुसरो शाह, खुसरो शाह कहते हैं खुसरो शाह का को यह खुले आम चुंबन व आलिंगन किया करता था। जब ऐसी हरकतें होंगी तो कुछ न कुछ तो आपको दिक्कत होगी होगी। और अंततः हुआ क्या, इसी खुसरो शाह ने 1320 में इसकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। खुसरो शाह शासक है। हम लोग एक बात कर रहे थे 1252 और 53 की। 1252-53 में बलबन को नायब के पद से हटा करके राय राहन बैठा, ये पहला हिंदू मुसलमान। खुसरो शाह भी हिंदू मुसलमान है। खासियत क्या है खुसरो शाह का? देखो, 6 महीने ही रहा है। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। ठीक, लेकिन इसके विरोधियों ने
इस्लाम खतरे में है। ठीक, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम का शत्रु। आज नारे लगाए और इनका नेतृत्व किया गाजी मलिक तुगलक ने। तुगलक ने और अंततः खुसरो शाह को एक युद्ध में पराजित करके हत्या कर दी जाती है और एक नया वंश दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है। वंश कौन सा? तुगलक वंश। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तुगलक वंश 1320 से 1414, सबसे लंबा समय। गाजी मलिक तुगलक, जब हम लोग गाजी मलिक तुगलक की बात करते हैं तो गाजी मलिक तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के समय में पश्चिमोत्तर सीमानिध के सेनापति थे और अलाउद्दीन के समय मंगोलों को इन्होंने इतना ज्यादा प्रताड़ित कर रखा था कि मंगोल इनके नाम से ही डरते थे। ठीक है, अब जब हम लोग इसमें शासकों की बात करते हैं तुगलक वंश में तो इसमें देखिए, पहला यासुद्दीन तुगलक, तुगलक 1320 से 1325, दूसरा मुहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, थर्ड फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। ठीक, फिर फोर्थ गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, सब समय थोड़े थोड़े समय के लिए हैं, 1388-89। ठीक है, अबू बक्र शाह 1389 से 90, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, कहते हैं ये बहुत क्रूर था हिंदुओं के प्रति। ठीक है, 1394। ठीक है, फिर इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1414, ये सुल्तान हुए। अब जब हम इनकी बात करते हैं सुल्तानों की, तो ये देखते हैं इनके समय में कार्य भी बहुत होते हैं, कुछ अलग तरीके के कार्य हुए, कुछ बहुत अच्छे कार्य हुए। जैसे संपूर्ण सल्तनत कालीन शासकों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अम्बेटी ग्यासुद्दीन तुगलक का जो होता है वो है रश्मो मियान की नीति का प्रतिपादन, यानी मध्यवर्ती नीति का पालन, ना तो बहुत ज्यादा कड़ाई और ना हो बहुत ज्यादा ढिलाई, दोनों चीजें। ठीक, फिरोज शाह तुगलक के विषय में जो प्रमुख चीज है वो है सिंचाई कर। ठीक, नासिरुद्दीन महमूद के विषय में जो है वो है तैमूर का आक्रमण। ठीक, एमबीटी के विषय में जो दूसरा है
इसकी योजनाएं, इसको बहुत से लोग सन की पागल भी कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसकी योजनाओं की बात करें, जो योजनाएं एमबीटी ने उस समय चलाई, आज कहीं ना कहीं देश उन योजनाओं को हम लोग देख रहे हैं, राष्ट्र में फैला है, राष्ट्र में चल भी रहा, ये सारी चीज हम लोग देख रहे हैं। तो स्थिति क्या थी कि भाई उस समय योजनाएं चलाई, तो सबसे ज्यादा जब शिक्षित यही है तो योजना ये चला सकता है, योजना बना सकता है, योजनाओं का क्रियान्वयन थोड़े करेगा, योजनाओं का क्रियान्वयन तो इसके मातहत अधिकारियों को करना पड़ेगा। तो जब मातहत अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो वो तो क्रियान्वयन नहीं करेंगे, और जब वो मातहत अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं तो वो क्रियान्वयन नहीं कर सकते, तो क्या उसकी योजनाएं खराब हो गई? लेकिन इतिहासकारों ने यह कहा कि सिर्फ योजनाएं बना सकता है, उसे चालू नहीं कर सकता, उलूल जुलूल योजनाएं, बेवकूफी वाली योजनाएं, अलग अलग चीजें। तो सबसे ज्यादा चरित्र पर इसके ही हमला हुआ है, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, कराचिल खुरासान विजय, कांगड़ा विजय, बहुत सी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीज भाई सांकेतिक मुद्रा तो हम लोग आज यूज ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तुगलक वंश सबसे ज्यादा, तो इसके हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कोई चीजें होंगी तो आप पूछ लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में जुड़ने के लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।